हेलो फ्रेंड्स, मेरी छुट्टी 31 मार्च तक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने टेरेस गार्डन का एक अच्छा सा वॉक थ्रू करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज कॉल्ड करेलास क्रीपर। ये करेला का क्रीपर है। 2-3 महीने के बाद इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। करेला वैसे बहुत कड़वा होता है, हम लोगों ने तब भी लगाया। एंड दिस इज सरसों। ये सरसों का फ्लावर है। एंड इफ यू कैन सी दिस, दिस इज रेडिश, मूली। व्हाट इज इट एंड मूली, वो भी एक मूली है। ये जो आपको दिख रहा है ना, अच्छा सा रेड रेड कलर का, ये इसको बोलते हैं लाल साग। दिस इज बीन्स, दैट इज ऑल्सो लाल साग। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज चेरी टमाटो। इट इज वेरी खट्टा, बहुत ही खट्टा है। ये सब पालक और वो सब है, पालक में बहुत आयरन होता है, हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा लगाया। ये है बीन्स। जो आपको घर में धनिया की चटनी मिलती है ना, इसी को तोड़ के मिलती है। आप लोग जब इसको क्रश करते हैं तो इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। हम मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ। दिस इज इटालियन सैलेड। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज अनियन, स्प्रिंग अनियन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नींबू है। दिस इज नींबू, जो 2-3 महीनों में अच्छे से उगेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये नींबू का फ्लावर है जिसमें बहुत सारी चींटियां हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये आइसबर्ग लेटस है। एक बार हमारे घर पे बहुत तेज हवा आई तो ये जो लेटस था नीचे गिर गया था, और हम लोगों ने सोचा चलो छोड़ो, और 2 महीनों के बाद इतना सारा हो गया। एंड दिस इज लोकी, नॉट द एवेंजर्स लोकी। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये टमाटर। एंड दिस इज टमाटर। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पालक की सीड्स है, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये सहजन है, इसका इसके जो पत्तों का सूप बनता है ना, बहुत टेस्टी होता है। इट्स वेरी डिलिशियस। ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सरसों। एंड ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन चोलाई है। This is पपीता, बहुत बड़ा हो गया। एंड दीज आर ऑल्सो चेरी टमाटो। ये अभी अनराइपन है, ये थोड़े टाइम में ये राइप हो जाएंगे, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। एंड दीज आर आइसबर्ग लेटस। एंड दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ लेटस। दीज आर सम काइंड ऑफ फ्रूट, फ्रूट जिसको हम मूली बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो द स्प्रिंग अनियन। ये जो आपको दिख रहे हैं, इससे हम लोग स्प्रिंग अनियन को तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। दिस इज ब्रिंजल, दीज आर चेरी टोमेटोज। एंड इफ यू कैन सी दिस, दिस इज कॉल्ड सहजन। एंड दिस इज लेमन ग्रास। ये बहुत ज्यादा वेट कैरी करते हैं, इसमें प्लांट भी रख सकते हैं। And these are the famous mint of Himachal Pradesh. Thank you and please subscribe to my channel. Thank you. Bye.